अरे अब हमारा हमारा डिस नहीं है जो करे वही मानो चलो मान लो जैसे वो मांगे वैसे वो मांग लो क्या नाम है आपका? अबसारुल हक जी। अबसारुल हक आए थे यहाँ मतदान करने के लिए, क्यों जी हाँ ड्रेस का पॉइंट थोड़ा डिफरेंट इसीलिए। तो अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, घर वापस जाना पड़ेगा और क्या, अगर मतदान से वंचित रह गए। हाँ अगर ड्रेस मिल पैंट किसी का पहन लेंगे तो हो जाएगा। क्या आपको मिल जाएगा क्या दूसरे का? आप किसी फ्रेंड से कहना पड़ेगा और क्या। फिलहाल आपको बाहर कर दिया गया? ठीक है हाँ फिलहाल बाहर हो गए हम। सर आज मतदान चल रहा है, क्या पूरी व्यवस्था आपने जायजा लिया अभी? शहर के और मऊ के प्रतिष्ठित डिग्री कॉलेज DCSK में आज छात्र संघ का मतदान चल रहा है, प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं चारों ओर अपने सभी जो स्टाफ है जो निर्वाचन संपन्न करा रहा है कॉलेज का वह है, इसके अलावा सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर के अन्य प्रमुख चौराहों से और यहाँ तक आने वाले केवल छात्र ही आ सकें, स्क्रीनिंग करके उनको प्रवेश दिलाया जा रहा है। विद्यालय प्रबंध तंत्र ने सुनिश्चित किया है कि अपनी वैलिड आई कार्ड और फीस रसीद के साथ साथ प्रॉपर जो ड्रेस कोड है उसमें लड़कों के लिए अलग है लड़कियों के लिए अलग है उसमें आएंगे, उसको फिल्टर करके यहाँ प्रवेश कराया जा रहा है। याचना करने के लिए एक यहाँ परंपरा है, जो प्रवेश द्वार के सामने है वो लोग अपना काम कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। विगत अनुभवों के आधार पर कि पिछली बार कुछ या पिछली बार कुछ हुआ था उसको लेकर के हम सतर्क हैं और ऐसी किसी भी दशा में ऐसे किसी अराजक तत्व या माहौल को ख़राब करने वाले विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस लगाएगी और किसी ने अगर कुछ किया तो उसको ऐसा मिलेगा कि कॉलेज का माहौल बिगाड़ने के लिए दोबारा कभी सोचेगा भी नहीं।